हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान क्या होता है, आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद, अनुसूची, मतलब बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जो आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, भाग को पार्ट बोलते हैं। ये जो आपको भाग दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, भाग को बोलते हैं पार्ट। अनुच्छेद को क्या बोलते हैं, अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, अनुसूची को क्या बोलते हैं, शेड्यूल, है ना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब जो हैं इनके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे स्टडी करेंगे, सब चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में संविधान क्या है, संविधान समझो तो एक छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा किताब है, आप देख ही रहे हो, है ना, क्या है, किताब है जिसमें कि पूरे नियम कानून लिखा गया है कि किस तरह से कंट्री को चलाना है। जैसे कि अब समझो यहाँ पे भाग 22 क्या है, अनुच्छेद क्या है, तो समझो ना ये क्या है, किताब है। तो किताब में चैप्टर होते हैं ना, समझ लो भाग क्या है, 22, वो इसमें चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। अब हर एक चैप्टर में कुछ पेज होते हैं भाई, पहला चैप्टर 3 पेज का हुआ, दूसरा चैप्टर 4 पेज का हुआ, ऐसे होता है। तो आप समझ लो ना कि पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर में कितने पेज हैं, पेज की मतलब यहाँ पे आप छोड़ दो, बल्कि ये समझो कि पहला चैप्टर जो है कितने पेज है मतलब नहीं है, बस पॉइंट्स है, 4 ही पॉइंट्स इसमें बताया गया है। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर है, दूसरा मतलब भाग शुरू हुआ, तो इसमें अगला जो ये 4 पॉइंट यहाँ पे हो गए, तो आगे से है, मतलब 5 से 11 तक है, 1, 2, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब इतने पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हो गए, 3, 3, 6, 7 पॉइंट्स सेकेंड चैप्टर में है, मतलब भाग 2 में है। ठीक है, उसी तरीके से टोटल कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, तो 2200 चैप्टर को मिला के टोटल 395 को क्या बना, पॉइंट बना, मतलब कि 395 अनुच्छेद बना, उसी को आर्टिकल कह रहे हैं। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि पॉइंट मान लो पहला लिखा चुका है, चैप्टर फर्स्ट में पहला पॉइंट ऐड कर दिया गया। अब ऐड कर दिया गया तो उसमें डिटेल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, डिटेल में अगर कुछ ज़्यादा, बहुत कुछ ज़्यादा ऐड करना है, पढ़ेंगे हम आगे अनुच्छेद फर्स्ट क्या है, क्या बताता है, अगर उसके बारे में डिटेल में जानना होता है तो अनुसूची उसके लिए होता है। ठीक है, जो अलग से जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, 395 अनुच्छेद है, शुरुआती तौर में 8 अनुसूची था। ठीक है, फिर बाद में 4 और जोड़ा गया, बड़े बड़े मतलब ढेर सारे चीज़ें अगर ऐड करना हो एक साथ, तो हम जैसे कि पहला पॉइंट तो लिखा चुका है, पहला पॉइंट मान लेते हैं लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत राज्यों का एक संघ है, तो इसमें अब ये बताना है कि कौन सा राज्य का कितना क्षेत्रफल है, क्या साक्षरता रेट है, सब चीज़ बताना है। तो यहाँ पे अब नहीं बताया जाएगा, पॉइंट में यहाँ पे लिखना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि पहला का पॉइंट ए करके लिखेंगे, पॉइंट बी करके लिखेंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। बहुत सारे यानी कि जब सुधार किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो समिति बैठानी पड़ती है। ठीक है ना, राज्यसभा का, लोकसभा का, इस तरह से बैठते हैं तब होता है। उससे बढ़िया है कि इसको जितने भी अगर ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है तो इसको अलग से जोड़ दो, किस में, अनुसूची के थ्रू। ठीक है, तो अनुसूची हम पहले समझ, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि आईपीसी क्या है। आईपीसी जिसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता। ठीक है, और सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, है ना। अब समझो, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर ऑफेंस करता है, मान लो किसी की मर्डर करता है, ठीक है, तो उसे क्या सज़ा होगी वो कौन बताएगा। इंडियन पेनल कोड का जो धारा है ना, सेक्शन जिसको बोलते हैं, जिसे बोलते हैं 302 भी बोलते हैं, दफ़ा 302 इस तरह से लगता है, सेक्शन जो होता है, सेक्शन 302, उसमें मृत्यु की सज़ा होता है, सुनाया जाता है, तो ये इसके सहारे से सुनाया जाता है। ये भी एक किताब है, ये भी एक किताब है सीआरपीसी। अब सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब जैसे मान लो आप कोई अपराध करते हो तो क्या होगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो वो जांच पड़ताल करेगी, है ना, आपको पीटेगी कि नहीं पीटेगी, रिमांड पे लेगी, क्या करेगी, वो सारे चीज़ें। ऐसे तो नहीं है कि अपने मन से आपको पीटने लग जाए, नहीं पीट सकती है, तो वो सारे चीज़ों को मतलब कि सेक्शन के थ्रू करती है, धारा ये लग रहा है आप पे, धारा ये लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपको आपने कोई अपराध किया, ठीक है, तो पुलिस आपको बुला रही है, ठीक है, तो बुला रही है, तो आप जैसे कि अंडर 50 क्या है ना, आप पूछ सकते हो उससे, सवाल जवाब कर सकते हो, भाई तुम क्यों बुला रहे हो मुझे, आप क्वेश्चन कर सकते हो, अंडर सेक्शन 50 आप सवाल कर सकते हो कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन। ठीक है, अगर मान लो कि बुला लेती है, ठीक है, बुला लेती है
तो अंडर सेक्शन एक होता है 46, इसमें आप अंडर सेक्शन 46 के अंतर्गत आप ये मतलब ये अधिकार आपको देता है कि पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस नहीं पीट सकती है, ठीक है। अगर पीटेगी तो आप बोलोगे कि सेक्शन 46 में तो ऐसा है, पुलिस ने हमें क्यों पीटा, आप मजिस्ट्रेट को इसका शिकायत कर सकते हो, ठीक है। तो सीआरपीसी क्या बताता है, सीआरपीसी बेसिकली ये बता रहा है कि आप अपराध करते हो तो आपको किस तरीके से आप पे कार्रवाई की जाएगी, कौन सा धारा आप पे लगेगा, ठीक है। और अगर आप फाइनली जज के सामने पहुंच गए तो आपको कौन सा सजा सुनाया जाएगा उसके लिए, तो वो आईपीसी के थ्रू सुनाया जाएगा, ठीक है। कौन सा, आईपीसी के थ्रू, कि आप ये अपराध किए हो तो आपको ये सजा होगी। समझ आया इतना? अब हम समझते हैं आगे ये वाला अनुसूची। अनुसूची बेसिकली टोटल 12 है, तो हम इसको पहले निपटा देते हैं, ठीक है। तो पहला अनुसूची क्या है, पहला अनुसूची में है, ये बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है और कन्फेडरेशन ये सब क्या होता है समझ लेते हैं पहले, ठीक है। देखो तीन शब्द होते हैं, यूनियन, कॉन्फेडरेशन और एक फेडरेशन। यूनियन में मतलब जैसे कि यूनियन 28 राज्यों का समूह है भारत, इसमें से वो अलग नहीं हो सकता कोई भी स्टेट। कन्फेडरेशन जो होता है उसमें अलग हो सकता है, कन्फेडरेशन में जो राज्य होते हैं वो कभी भी अलग हो जाते हैं, जैसे सार्क हो गया, ठीक है, एशियन हो गया, ये सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक फेडरेशन होता है, फेडरेशन भी टूटता है लेकिन मुश्किल से टूटता है, जैसे कि यूएसएसआर 15 देशों में टूटा था, ठीक है ना। लेकिन वो जो यूनियन होता है वो टूटता नहीं है, जैसे भारत क्या है, यूनियन है, ऐसा नहीं है कि अगर उत्तराखंड बोले कि हम अलग होना चाहते हैं तो नहीं हो सकता, सिक्किम है तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब बिहार है, ऐसा नहीं कर सकता बिहार कि हम एक अलग राज्य हैं तो हम राज्य हैं तो हम एक अलग देश बनाना चाहते हैं बिहार, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल भारत के अंतर्गत टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, 8 राज्य हैं, समझो इस चीज़ को, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री जो होता है उसका पावर नहीं चलता है उतना, ठीक है। तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये यूनियन टेरिटरी, यूनियन का मतलब क्या हुआ केंद्र, टेरिटरी का मतलब क्या हुआ क्षेत्र, तो मतलब इस पे ये जो क्षेत्र होता है इस पे पूरे सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ठीक है। मतलब मुख्यमंत्री जो होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, बस थोड़े थोड़े मतलब छोटे मोटे काम करने के लिए वहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं। इस चीज़ को एक चीज़ समझ लो कि जब आज़ाद हुआ था भारत, है ना, भारत जब आज़ाद हुआ था तो वो 552 छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के राजा थे, है ना। तो वहाँ पे भारत में भी क्या है 28 राज्य है, तो उस समय तो ऐसा नहीं था, 552 छोटे छोटे टुकड़े थे तो उसको मिलाना था एक साथ, तो जितने भी 552 अलग अलग टुकड़े के जो राज्य थे मतलब राजा थे वो सब क्या कर रहे थे, नहीं मान रहे थे मिलने के लिए, ठीक है। तो सरदार पटेल और बीबी मेनन ने इसके लिए कोशिश किया था, उन्होंने क्या किया 552 को बोला कि मिल जाइए, क्या दिक्कत है, मिल जाइएगा, तो बोला कि हम नहीं मिलेंगे, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं मिल रहा था, तो बोले कि अच्छा नहीं मिलेंगे, अच्छा आप मिल जाइए, बाद में अगर अलग होना हो तो आप हो सकते हैं, हो जाइएगा। तो सबने बोला कि ठीक है, तो जो सरदार पटेल थे बोले कि ठीक है आप अभी मिल जाइए, अगर आपको मन नहीं करेगा तो अलग हो जाइएगा। लेकिन सरदार पटेल ने एक काम किया, क्या किया, जो यूनियन था यूनियन पे साइन करवा लिया, ये यूनियन पे साइन करवा लिए, ठीक है। तो जो भी 552 अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े थे वहाँ पे जो राजा वजा थे वो किस पे साइन कर दिए, यूनियन पे कर दिए। अब आप ही बताओ कि जो भारत बना उस समय तो यूनियन बना ये, तो यूनियन पे साइन किया था तो क्या निकल सकता है इसमें, नहीं, यूनियन से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, फेडरेशन तो है नहीं भारत, है ना। भारत राज्यों का क्या बन गया, एक यूनियन बना जिससे कि कोई अलग नहीं हो सकता, मतलब ये समझो तो सरदार पटेल ने चला के किया, है ना। तो इसमें जो है कोई भी अलग नहीं हो सकता। तो पहला अनुसूची हमें ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, है ना, और इसमें 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और देखो अनुसूची में पूरा डिटेल में रहता है, भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य है, तो 2800 राज्य का कितना मतलब कि क्षेत्र है उसका, कितना वहाँ पे जनसंख्या है किस राज्य का, उसकी सीमा कहाँ तक फैली हुई है, उससे कितने स्टेट्स लगे हुए हैं, है ना। तो ये सब सारा डिटेल यहाँ पे मिलता है किस में, अनुसूची में, ठीक है जी।
अब दूसरा अनुसूची ये बताता है वेतन के बारे में, जैसे कि अलग अलग पदों पे जो लोग हैं, जैसे कि कोई सांसद है, कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सबको कितना वेतन मिलेगा, इसका डिस्कशन अनुसूची दो में बताया गया है, यानी कि सारे लोगों का वेतन इसमें पूरा बताया गया है। ठीक है, अब पहला तो भारत राज्यों का एक संघ बन चुका है, दूसरा वेतन भी लोग ले लिए, तीसरा हम समझो शपथ अब लेंगे, यानी कि शपथ किसको क्या शपथ लेना है, जैसे कि प्रधानमंत्री बनते हैं तो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं तो शपथ लेते हैं, तो हर एक कोई शपथ लेता है। ठीक है, जो भी सांसद उनसद बनते हैं सब शपथ लेते हैं, तो सबके लिए अलग होता है, ऐसा नहीं कि कोई अपना शपथ अपने लिख के लाएगा अपने से ले लेगा, नहीं। तो मतलब यह अनुसूची जो 3 है उसमें सारा डिटेल में लिखा गया है कि आपको यही चीज़ बोलना है, यही करना है ना, शपथ उपथ इसी में चर्चित है। अगला है चौथा में, यानी कि राज्यसभा की सीटें। अब किस राज्य में, जैसे कि एक बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितने सीटें होंगी, उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा है कितने सीटें होंगी, सारा अनुच्छेद अनुसूची 4 में देखने को मिलता है। ठीक है, पांचवा है एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान, है ना, विशेष प्रावधान एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान किसमें दिखता है, पांचवें आर्टिकल, सॉरी यार आर्टिकल नहीं, अनुसूची है ना, शेड्यूल में पांचवा जो शेड्यूल है एससी एसटी के लिए स्पेशल क्या स्पेशल प्रावधानों की बात करता है। ठीक है, अगला हमारा है क्या, अगला है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, असम जो कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है असम, फिर यहाँ पे मेघालय हो गया, फिर नीचे हो गया त्रिपुरा, फिर इधर मिजोरम हो गया, ये जो 4 राज्य हैं इन 4 राज्यों की चर्चा इसमें की गई है ना। अब शक्ति का विभाजन 7वां में है, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन बहुत जरूरी भी चीज़ है ये। अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारा पावरफुल है, जैसे सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट है तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, स्टेट वाले को बहुत कम समझेगा, ऐसा नहीं है, सबका सेंट्रल मतलब जो पावर है वो विभाजित है, डिवाइडेड है। अब ऐसा नहीं है कि सारा पावर राष्ट्रपतियों को मिल गया चाहे प्रधानमंत्री को मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में क्या है, जैसे कि ये सब जो किम जोंग ये सब है तो उसका सब डिक्टेटरशिप में है, तो सारा पावर उसी के पास है, तो जो चाहता है वो करता है, लेकिन ऐसा भारत में है नहीं, तो शक्ति का विभाजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 सूचियाँ बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, जिसमें कि संघ सूची पे नियम कानून जो बनाता है कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, जिसमें टोटल 100 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची पे कौन बनाता है, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, इसमें पहले 66 सब्जेक्ट थे, ठीक है, टोटल पहले 66 था, लेकिन 5 को निकाल के इसमें डाल दिया। ठीक है, तो 5 को निकाल देगा तो कितना बचेगा, 61 बचेगा। अब पहले संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है, यानी कि संघ सरकार भी राज्य सरकार भी बनाती है, तो इसमें पहले 47 था तो 5 को डाल दिया, उठा के तो कितना हो गया, 47 5 52 हो गया ये। ठीक है, बेसिकली इसमें से 4 उठा के डाला था, एक इसमें ऐड किया गया था तभी 52 हुआ, लेकिन आप फिलहाल ऐसे याद रख लो कि 66 को पहले था, इसमें से निकाला 5 को इसमें डाल दिया, 47 ही 52 हो गया। ठीक, उधर घट गया इधर बढ़ गया, इसमें 66 था, 66 से 61 बच गया घट के, ये 47 था पहले, बढ़ के 5 52 हो गया, बढ़ा तो 5 है ना, 5 का अंतर हो गया। तो संघ सूची में राज्य सरकार केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, संवर्ती सूची में दोनों बनाती है, और अब शिष्ट सूची वो सूची होती है, मतलब कि वो है जिसमें कि नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं वो ऐड किए जाते हैं, है ना, इसमें जो सब्जेक्ट हैं कितने विषय होंगे वो डिसाइडेड नहीं है, नई चीज़ें जो भी आएगी, जैसे QR कोड है तो इसी में आ जाएगा, ऑनलाइन स्टडी है तो इसी में आ जाएगा, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो अनुसूची है, अनुसूची 8वां, जो भाषा को बताता है ना, भाषा पहले 14 भाषाएं थी, अभी के समय में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, यानी कि 22 भाषाओं के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है कि ये भाषा कहाँ बोली जाती, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ 8वें अनुसूची में। ठीक है, 8 को पहले है ये था टोटल। ठीक है, अब 9वां भूमि सुधार बहुत जरूरी था। ठीक है, भूमि सुधार, तो 9वां में भूमि की सुधार के बारे में बताया गया है, भूमि सुधार, यानी पहला संशोधन हुआ संविधान में। ठीक है, इसमें जोड़ा गया पहला भूमि सुधार, पहले क्या जोड़ा गया, पहला संशोधन में एक अनुसूची जोड़ा गया, कौन सा अनुसूची, 9वां अनुसूची, जो कि भूमि सुधार है। ठीक है, फिर बाद में 10वां अनुसूची, जो कि दल विरोधी, दल बदल विरोधी यानी निरोधी कानून लाया गया, जो कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा हुआ जोड़ा गया। ये क्यों जोड़ा गया, बहुत ज़रूरी भी है, बदल बदल निरोधी कानून, बेसिकली क्या होता था ना, जैसे कि इस चीज़ को समझो, अब
कभी कभी जैसे दल पार्टी ए है और पार्टी बी है, पार्टी ए का जो जीत गया तो जीतने के बाद ऐसा भी करता था कि इस पार्टी को छोड़ के इसमें चला जाता था, जो कि बिल्कुल सरकार को तोड़ के रख देता था, हिला देता था, जो कि सही नहीं था। ठीक है, सरकार क्या हो जाती थी, अस्थिर हो जाती थी, बेकार हो जाता था। तो ऐसा जरूरी नहीं है, पैसे की बदौलत ये वाला टीम जैसे कि जो जीता है तो इसको भी खरीद लिया, तो ये नोट वाली सरकार हो गई समझो, बिल्कुल बेकार। तो यहाँ पे कानून लाया गया है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधी कानून या विरोधी कानून, मतलब कि ये ऐसा कानून है समझो इस टीम को, जैसे कि एक मान लो क्रिकेट टीम ए है और ये बी क्रिकेट टीम है। ठीक है, क्रिकेट टीम ए में मान लो 11 प्लेयर हैं, इसमें भी 11 प्लेयर हैं, यहाँ पे एक कैप्टन चुना जाएगा, यहाँ पे भी एक कैप्टन बनेगा। ठीक है, अब ये कैप्टन जो है इसके लिए, इन सब के लिए काम करेगा, है ना, यहाँ पे जो 10 बचेंगे यहाँ पे भी 10 बचेंगे, तो ये कैप्टन जो है इसके लिए काम करेगा, ये जो कैप्टन इसका है इसके लिए सारा काम करेगा। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो ये टीम बी में जो प्लेयर्स हैं, कैप्टन है, वो बोल देगा कि भाई तू ले ले कुछ पैसे और टीम ए को, तू अपना टीम को हरवा दे, कुछ पैसे तुम ले लो, है ना, इसको पैसा दे दिया पहले वाले को, तो ये टीम मान लो कि उधर चला गया। अब क्रिकेट में तो ऐसा नहीं जा सकता, लेकिन मान लो घूस खा के ये अपना टीम को हरवा देता है, अपने टीम के लिए कुछ काम नहीं करता है, सारा अपना काम इसके लिए कर देता है, तो क्या हो गया, ये अस्थिरता लाता है कि नहीं लाता है, बिल्कुल लाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इस चीज़ को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जो कि 52वां संविधान संशोधन में लाया गया। इसमें ये बताया गया कि जीती हुई पार्टी दूसरे दल में नहीं जा सकती है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है जैसे कि पार्टी ए पार्टी है ना, पार्टी बी है, तो पार्टी ए में एक मेंबर जो है जीता है, इसमें भी एक जीता हुआ है, तो ये बोलेगा जैसे कि पार्टी बी वाला जो है वो कह रहा है कि भाई तू जीत ही लिया है तो तू मेरे यहाँ चला, पैसा कुछ दे देगा इसको, है ना, पैसा दे देगा। तो टीम ए का जो मतलब कि जो ये मांगे की थी कि भाई ये सब तुम्हें करना है काम, हम तुम्हें टीम का सबसे हेड तो बना रहे हैं लेकिन तुम्हें ये सब चीज़ें हमारी करनी पड़ेगी, हमारी जो परेशानी है उसको दूर करो, लेकिन ये जीत के इधर चला गया, तो अच्छी बात है नहीं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जो कि कौन सा है, 10वां है, 10 है 10वां, 10 से दल, तो दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन में लाया गया, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा है पंचायती राज, है ना, जो कि भारत मतलब कि 73वां संविधान संशोधन में लाया गया। देखो, जब महात्मा गांधी को एक्चुअली गोली मार दिया गया था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो 1948 में उसकी उनके देहांत हो गया था जो मारा था, है ना। अगर महात्मा गांधी जीवित होते तो जिस समय 1950 में, यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उसी समय पंचायती राज आ जाता, लेकिन आया कब, 1993 में लागू हुआ, बना था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ, 1993 में लागू हुआ, इतना देर हो गया, अब 85 में हो जाता अगर महात्मा गांधी होते तब। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पंचायती राज से क्या फायदे हैं समझो इस चीज़ को। अब देखो, सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गई, राष्ट्रपति हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग हैं, जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व कर देगी, नहीं कर सकती है। ठीक है, तो नगर पालिका और ग्राम पंचायत बहुत ज़रूरी है। ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत या पंचायती राज, ये गाँव में जो गाँव होता है, तो गाँव में जो लोगों के समस्याएँ होता है उनको दूर करती है। नगर पालिका क्या होता है, नगर पालिका जो शहर में जो परेशानियां लोगों को होती है उसको दूर करती है ना, तो नगर पालिका शहर के लिए हो गया और ये ग्राम गांव के लिए हो गया। ठीक है, ग्राम पंचायत, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि एकत्र होना, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर का बिखरना, है ना, तो पावर बिखर रहा है, तो सरकार का पावर बिखरना यानी डिसेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ पावर बहुत जरूरी है ना। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि पंचायती राज्य में लोगों के जो यानी कि नॉर्मल, जैसे कि क्या होता है, जैसे मुखिया के बारे में आप सुने हो, मुखिया तो मुखिया बनता है तो 4-5 गांव का ये मालिक होता है। ठीक है, उसी तरह से नगर पालिका जो शहर का, वो शहर में होती है एक शहर का। ठीक है, तो शहर के जो परेशानियां हो रही है, मान लो कहीं नली खुले हुए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि आप विधायक को बोलोगे कि भाई यहाँ पे नली खुली हुई है इसको मरम्मत करवाओ, नहीं, आप बोलोगे वहाँ पर नगर पालिका का जो वार्ड मेंबर है आप उसको कहोगे कि भाई देख ऐसा है यहाँ पे नली खुली हुई है, अगली बार ऐसे किया तो वोट ना देंगे तुमको, तो बोलेगा कि भाई ऐसा गुस्सा क्यों हो रहा है, हम इसका काम करवाते हैं, वोट तो हम ही को देना। और मुखिया भी गांव लेवल पे ग्रामीण स्तर पे काम करता है। ठीक है, ग्रामीण स्तर वहाँ पे भी वार्ड मेंबर होते हैं, मुखिया, मुखिया तो एक हो गया 5 गांव का हेड, है ना, और हर एक गांव में कम से कम 1, 2, 3, 4 वार्ड होते हैं ना,
चार होते हैं, वार्ड नंबर दो, वार्ड नंबर तीन, इस तरह से, और उनके वार्ड मेंबर होते हैं। तो आप कुछ काम करवाना है तो आप वार्ड मेंबर को बोलोगे। अब वार्ड मेंबर किसको बोलेगा? मुखिया को बोलेगा, ठीक है, मुखिया करवाएगा काम। समझ आया? तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद से शुरू करेंगे हम, 12 जो अनुसूची है वो खत्म कर चुके हैं।